छत्तीसगढ़ विधानसभा के चलते सत्र में वैशाली नगर में बरसों से अटकी हुई दो प्रमुख मांगों पर गंभीरता के साथ चर्चा की गई। इन दोनों मांगों पर सदन में कार्यवाही किए जाने की बात से वैशाली नगर के लोगों में ने काफी राहत की सांस ली है। दरअसल करीब 30 साल पहले विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के दौरान शहरवासियों को बेचे गए 293 विवादित भूखंडों के निराकरण और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के 724 मकानों की मरम्मत पुनर्निर्माण के मुद्दे पर विभागीय मंत्री ने जनहित में राहत देने की घोषणा की थी, जिसमें संबंधितों को शीघ्र पहल करने के निर्देश भी दिए गए। निसंदेह फैसले से 5000 से ज्यादा लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। भिलाई के 293 भूखंडों पर दुर्ग कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है। वही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के 724 मकानों को दोबारा उसी जगह पर बनाकर उनमें लंबे समय से रह रहे लोगों को सौंपने की घोषणा की है। पूरे मिले जुले हुए हैं, नेहरू नगर में है, प्रियदर्शिनी परिसर में है, महात्मा गांधी मार्केट में, आकाश गंगा में है, और इस प्रकार से पूरे भिलाई के निगम क्षेत्र में है, सभी जगह मिक्स हैं। और कुछ लोगों ने को इसमें परमिशन भी दिए थे, 30 लोगों करीबन, वो लोगों ने बना लिया है, और लेकिन उनसे भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं ले रहे हैं। और बाकी लोगों को कुछ लोगों ने अवैध रूप से बना लिया है, और बाकी जो हमारे जैसे कुछ सीधे साधे लोग हैं बच गए हैं, कोर्ट से कुछ 40 लोगों ने ऑर्डर करवाया है, तो उस पर अभी ये लोग उसमें भी परमिशन देने के लिए हिला वाला कर रहे हैं।